नमस्ते, मैं सुमन लेक्चरर, सी डी डी एम, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय। आज हम बात करेंगे सिंथेटिक डाई, और कल भी हमने सिंथेटिक डाई के बारे में बताया। आज इसका आगे अगला जो टॉपिक है वो है हमारा क्रोमिक डाई कि क्रोमिक रंग कि इन रंगों में क्रोमियन का उपयोग एक बंधक के रूप में किया जाता है जिससे रंग वस्त्र पर चढ़ता है। धातुएं लवण जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या टिन का भी उपयोग किया जाए टिन का भी उपयोग उपयोग किया जाता है। मोर डेट रंग सूती और लिलिन की अपेक्षाकृत ऊनी और सिल्क पर अधिक अच्छे चढ़ते हैं। सूती वस्त्रों पर मोटेट रंग सरलता से उड़ जाते हैं। वस्त्रों पर पेरा बैंगनी किरणों को ढालकर परीक्षण किया जाता है। लवणों में विभिन्नता लाकर एक समान शेड्स तैयार किया जाता है, किंतु इनकी पहचान पेरा बैंगनी किरणों की चमक में स्पष्ट रूप दिखाई देती है। मोटेट रंग में विभिन्न रंग तैयार किए जाते हैं जैसे क्रोमियम एवं लोहा के उपयोग से काला काला देता है। मोटे रंग में विभिन्न रंग तैयार होते हैं। काला रंग क्रोमिल जो काला रंग तांबे ए से नीला रंग टिन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम से बैंगनी रंग बनता है। ट्रकिक लाल रंग एलिजरीन नामक पदार्थ से जो जड़ से प्राप्त रंग बनाने के काम में लिया जाता है। बाद में ट्रकिक लाल रंग बनाने की कृत्रिम विधि को आविष्कार किया जाता है। हमारा फिफ्थ है गंधक रंग कि गंधक उपस्थिति होने के कारण ये रंग सारे अपचयन और प्रतिक्रम पदार्थों में घुल जाता है। सार का उपयोग अधिक होने के कारण वनस्पति तंतुओं से निर्मित वस्त्रों पर इन रंगों को काम में लिया जाता है। विरजंग या ब्लीच करने पर यह रंग कच्चे रहते हैं। धुलाई में यह रंग प्रभावित नहीं होते हैं, किंतु यह अत्यधिक प्रकाश में रंग फीके पड़ जाते हैं। जैसे सूती
वस्त्र लिलिन लिलिन सेल्यूज सेल्यूज रियोन रियोन वस्त्रों पर यह रंग चढ़ाए जाते हैं। हमारे 6 नंबर का है वीट रंग। वीट रंग यह रंजक के समूह में वीट रंगों का प्रमुख स्थान होता है और इन रंगों में अत्यधिक पक्कापन टिकाऊपन और इंडिगो रंग सबसे प्रसिद्ध वेट रंजक होता है। रंजक को काम में लेने से पूर्व कुछ दिनों के लिए भिगोया जाता है कि रजक को काम में लेने से पूर्व कुछ दिनों के लिए भिगोया जाता है। भिगो कर रखा जाता है। वेट रजक के तीन समूह होते हैं। समूह होते हैं पहला है इंडिगो, इंडिगो सोल तथा गोसील। दूसरा है हमारा एंथ्रो सल्फर। इंडिगो रंग सबसे अधिक प्रचलित रंग होता है तथा यह धुलाई व प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है कि धुलाई और प्रकाश से जब कपड़े को धोते हैं तो इस पे रंग की बहुत हल्का निकलता है तथा धूप में सुखाते हैं तो भी इसका हल्कापन ही दूर जाता है और उन्य वस्त्रों को रंगने के लिए इंडोनाइड का उपयोग किया जाता है जिसे भिगोने के पश्चात अपचयन प्रतिक्रम द्वारा विकसित किया जाता है। सिल्क लिलिन और रियोन पर सफलतापूर्वक काम में लिया जाता है। सल्फर रंग में वर्गीकृत होता है जो सूती और अन्य वनस्पति तंतुओं पर अच्छे रहते हैं और वेट जो रंग है द्वारा विभिन्न शेड्स के रंगों का मेल करना कठिन हो जाता है क्योंकि वेट रंग सूखने के पश्चात अलग शेड लेते हैं। कंप्यूटर्स के
द्वारा सेट्स तैयार सरलता से बनाए जाते हैं और इन रंगों का उपयोग जब करते हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।